नगर पालिका सफाई कर्मियों ने एक पार्षद पर शहर की सफाई की बजाय निजी कार्य के लिए तंग करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। इस संदर्भ में प्रभावित कर्मियों ने एक और सुधार कार्यक्रम प्रोजेक्ट निदेशक राखी मित्तल को सरकार के महत्वपूर्ण स्वच्छता मिशन में गतिरोध पैदा करने वाले पार्षद के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए तत्काल बर्खास्त करने की मांग की है। शिष्टमंडल ने राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में निदेशक के समक्ष उनके समक्ष आ रही समस्याओं को क्रमवार ढंग से रखा। इस सरकार से बढ़ने से पहले सफाई व्यवस्था का जो हाल था वो बिल्कुल सरकार ने अपना काम किया था, तो उनके पास कोई पॉलिसीज नहीं थी कि सफाई व्यवस्था कैसे की जाए। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, स्वच्छता के अभियान को लेकर स्वच्छता के लिए सफाई लगातार जारी है, रिक्शाएं लगी है डोर टू डोर करने के लिए, और जो हमारे सफाई के कर्मचारी हैं कलायत में 80% से 90% बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखो जितना ये करते हैं इनको धन्यवाद करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं अपने ऊपर। पर अभी कुछ 2-3 दिन से सुनने में आया कि कोई नगर पालिका का एक पार्षद है जो सफाई कर्मचारियों को नजायज तंग करता है। भाई वो नजायज तंग करता है, वो अपनी दुकान पे काम कराता है, यदि दुकान पे वो पैसे कमाता है तो अपना कर्मचारी आप खुद लगाए। ये सफाई कर्मचारी जनता के लिए है, ना कि पार्षद के लिए। हम तो सभी पार्षदों से एक अपील करते हैं कि इनको अपने घर का काम ना करवा कर इनको पब्लिक का काम करने दे। पब्लिक के टैक्स से तनख्वाह लेते हैं, ना कि MC के टैक्स से तनख्वाह लेते हैं। हम चूल्हा टैक्स देते हैं, हम तरह तरह के हमारे ऊपर नगर पालिका टैक्स लगाती है, हम उससे तनख्वाह देते हैं, ना कि इनको नगर पालिका के पास से तनख्वाह देते हैं। तो हम तो सरकार से और प्रशासन से ये अपील करते हैं कि जिस भी MC ने ये प्रतिज्ञा ये काम गलत किया है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। बिल्कुल जी धानिया जी, जो पुलवामा के अंदर हमले हुए थे, हमने उसकी श्रद्धांजलि देने के लिए ब्लड कैंप रखा है, और जो युवाओं का जोश है वो देखते ही बनता है। 8 बजे ही लोग बड़ी संख्या में आने लग गए थे, और मैं उम्मीद करता हूं कि और संस्थाएं भी इस तरह की मुहिम चलाएं, वरना एक एक यूनिट के लिए लोगों को जूझना पड़ता है, बहुत सी जाने चली जाती हैं। तो युवा और भी प्रकार की अपील उनसे रहेगी, संस्था की तरफ से ये अपील करते हैं कि कल्चरल एक्टिविटी रहे, ऐसे प्रोग्राम होते रहें। और देखने में मोस्टली आ रहा है कि युवा बहुत ज़्यादा आगे आ रहे हैं, हमने 200 यूनिट का लक्ष्य रखा था, 250 यूनिट हो जाएंगे और बंदे कम से कम 500 के लगभग बंदे पहुंच चुके हैं। कलायत से रणदीप धानिया की रिपोर्ट। ये थी इस समय की बड़ी खबर। समय समय पर अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए यस टीवी।